Hello everyone. Today in this video, we are going to discuss the topic reduction of unsymmetrical form to symmetrical form of a straight line. यहाँ पे हमने एक term use किया है unsymmetrical form of a straight line. Unsymmetrical form क्या होती है straight line की? देखो जब भी हमारे पास two intersecting planes given हो ना तो वो हमेशा एक straight line को represent कर रहे होते हैं. यानी two planes अगर intersect कर रहे हो तो वो एक straight line पे intersect करते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा plane one है. Suppose this is plane one and this is plane two और ये intersect कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे ये line है intersecting line. इंटरसेक्ट लाइन तो दो प्लेन हमेशा एक एक स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है? कभी भी अगर हमें ऐसे टू प्लेन्स की इक्वेशन दी हो एक साथ, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अगर प्लेन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है तो अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन हमें ऐसे एक साथ दी जाए तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन सी स्ट्रेट लाइन? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे. अब अगर टू प्लेन्स की इक्वेशन एक साथ देखे वो हमें ये बोल रहा है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस ये हमें अनसिमेट्रिकल फॉर्म दी हुई है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स की इक्वेशन जब एक साथ गिवन होगी, ठीक है, तो इट मींस वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की. वो दोनों प्लेन्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी? जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इन दोनों प्लेन की, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ प्लेन्स. इसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म, जब उसको प्लेन्स के फॉर्म में हमें गिवन होता है, ठीक है, कि टू प्लेन्स हैं ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉर्म. पर हमें क्या करना है? हमें इसको रिड्यूस करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में. हमें ये इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है. सिमेट्रिकल फॉर्म कैसी होती है स्ट्रेट लाइन की? जैसे मान लीजिए हम 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे करते हैं ना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एम इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एम, ठीक है, ये होती है सिमेट्रिकल फॉर्म. तो हमें ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म से ये लाइन की इक्वेशन को रिड्यूस करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में. हम देखिए कैसे करेंगे. ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये जो रेड कलर में मैंने शो किया, दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ गिवन टू प्लेन्स. सो हम मान लेते हैं लेट एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. जो लाइन की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं हमने मान लिया इसके जो डायरेक्शन रेशियो, यानी ये जो लाइन है रेड कलर की, ये जो लाइन हमने शो किया है, इसके डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास एल एम एन, ठीक है. लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन. तो हमने एक रिजल्ट किया होता है जब हम प्लेन चैप्टर पढ़ते हैं कि अगर आप यहाँ पे प्लेन पे एक नॉर्मल चूज कर रहे हो, ठीक है, अगर ये लाइन जो है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन जितने भी लाइंस कंटेन कर रहा वो उन सब पे ये नॉर्मल होगी, उन सब पे ये परपेंडिकुलर होगी. तो अगर ये लाइन देखे जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो प्लेन वन पे भी है और प्लेन टू पे भी है, जो प्लेन वन पे नॉर्मल होगा वो ये लाइन पे भी नॉर्मल होगा, ठीक है. जो प्लेन टू पे नॉर्मल होगा वो भी ये लाइन पे नॉर्मल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम प्लेन पे परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ये हर वो लाइन पे परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन कंटेन कर रहा है, ठीक है. तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये प्लेन वन भी कंटेन कर रहा है, प्लेन टू भी कंटेन कर रहा है, तो प्लेन वन पे जो नॉर्मल होगा वो भी इस लाइन पे नॉर्मल है, प्लेन टू पे जो नॉर्मल होगा वो भी इस लाइन पे नॉर्मल है. तो हमें रिजल्ट पता है कि अगर अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हो, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हो और फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मान लेते हैं एल वन एल टू एल थ्री है और सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एम वन एम टू एम थ्री हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है? इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन एल वन एम वन प्लस एल टू एम टू
एल थ्री एम थ्री जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। यानी इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम जीरो होता है। जैसे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर एडिशन कर दिया, ये इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम फर्स्ट प्लेन पे जो नॉर्मल लेंगे वो ये लाइन पे नॉर्मल है, और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमने क्या चूज किया है, एल एम एन चूज किया है, और प्लेन पे जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। प्लेन पे जो नॉर्मल है हमें पता है, अ प्लेन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय इट्स नॉर्मल। तो यहाँ पे जो एक्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जो फर्स्ट प्लेन पे नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, हमारे पास वन 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 है। एंड जो सेकंड प्लेन पे यहाँ पे नॉर्मल है, सेकंड प्लेन पे जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, यानी यहाँ पे होंगे 2 1 3, ठीक है। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज टू प्लेन वन, एंड दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन टू। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन वन, एंड दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन टू, ठीक है। अब हमें पता है ये जो नॉर्मल हम ले रहे हैं वो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 1 1 1, और ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज है एल एम एन। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन करनी है और उसका सम जीरो होगा। तो वन को जब हमने एल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आएगा, एल प्लस वन को हमने, ये वन को एम से मल्टीप्लाई किया और ये वन को हमने एन से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आएगा, जीरो, ठीक है। ऑल्सो हमें ये भी पता है, दिस दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन टू। और हमें पता है जो प्लेन टू पे नॉर्मल है वो गिवन लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो सेम ये रिजल्ट यूज होगा कि 2 into L प्लस 1 into, ये वन को हमने ये एम से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 into N इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये जो हमने इक्वेशंस बनाई है इनको हमने क्लोज रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। ये L M N, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप की इक्वेशंस को, स्टेप की रिलेशन को, हम क्या करते हैं इसको 2 3 1 2 की फॉर्म में लिखते हैं ना, 2 3 1 2। टू मीन्स सेकंड प्लेस पे जो टर्म्स आ रही है, देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे एम आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड, एम का कोफिशिएंट कितना है, 1 1 3। थर्ड पे हमारे पास ये आ रहा है 1, और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 3 आ रहा है। 1 मीन्स फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 2 मीन्स सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। हमने क्या करना है, क्लोज रेशियो की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। 3 माइनस 1 यानी 2, इससे मल्टीप्लाई करके 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, 2 माइनस 3 इज -1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, देन नेगेटिव साइन -2, यानी 1 माइनस 2 इज -1। तो हम इसको रख देते हैं k के इक्वल, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, एंड m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -ऑफ k, एंड n क्या आएगा हमारे पास -ऑफ k। यहाँ से हमारे पास आ गया है 2k -k एंड माइनस के, ठीक है। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, ये एल एम एन की वैल्यूज आई है ना, तो एल एम एन क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। सो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। यहाँ से हम के कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या है 2 -1 -1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज तो आ गया, अब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं, और एक चाहिए होता है पासिंग पॉइंट, कि वो लाइन कहाँ से पास कर रही है, कि वो लाइन कहाँ से पास कर रही है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट से ये लाइन पास कर रही होगी, जहां पे होगा ना वो पॉइंट प्लेन वन पे भी होगा, प्लेन टू पे भी होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट निकालने का सबसे इजिएस्ट वे क्या होता है, ये जो प्लेन्स की इक्वेशन है ना, यहाँ पे इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को आप जीरो पुट कर दो,
जीरो, ऐसे तो कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो, आप किसी भी एक वेरिएबल को जीरो पुट करो, ठीक है, तो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा जो प्लेन 1 पे भी होगा, प्लेन 2 पे भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो लाइन भी वो पॉइंट से पास कर रही होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पुट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में प्लेन 1 एंड प्लेन 2 में जेड को जीरो। तो हमें हमें बेसिकली एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो जो प्लेन 1 एंड प्लेन 2 दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों के हो, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ पुट जेड इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे जेड को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी जेड को 0 पुट कर दिया, तो रिलेशन क्या बचा, बाकी का इक्वेशन क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा फिर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये आएगा स्टूडेंट। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं। Equation number 3 and this is equation number 4. By subtracting equation number 4 from equation number 3, हम क्या कर रहे हैं, 4 को 3 से subtract कर रहे हैं, तो ये तो इससे cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, minus of x is equal to 4 minus 3 कितना होता है, 1 होता है, x की value हमारे पास कितनी आ गई है, minus 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम माइनस वन यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, x को अगर माइनस वन पुट किया वो यहाँ पे प्लस वन होगा, तो कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा हमारे पास, y is equal to 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x is equal to minus 1, y हमारे पास आ रहा है 5, कब आ रही है वैल्यूज, जब हमने z के लिए 0 लिया। सो दिस इज द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन बोथ द प्लेन्स, दैट मींस दिस इज द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन के हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो लाइन ये पॉइंट से पास कर रही है। आप एक बार चेक कर लो, x minus 1 है, y 5 है और z 0 है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, x माइनस वन है, y 5 है, तो 4 आ रहा है, x माइनस वन है, y 5 है, तो ये माइनस 2 प्लस 5 इज 3, क्योंकि z तो 0 है ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट हमें मिल गया जो प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों पे लाई कर रहा है, यानी वो यहाँ पे होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड करना है ये उस पे लाई कर रहा है। तो अब इजी हो गया हमारे लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो ये पॉइंट से पास कर रहा है जो हमने अभी फाइंड किया, कॉमन पॉइंट हमें मिल गया और इसके डायरेक्शन रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच आर 2 माइनस 1 एंड माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस 1 5 0 and has direction ratios and has drs, drs क्या रहते हैं इसके direction ratios, 2 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1, therefore equation of given line in symmetrical form is x minus x1, passing point कितना होता है, passing point क्या है, passing point क्या है, minus 1 है ना, यहाँ पे है x minus x1, y minus y1, y1 ये है 5, z minus z1, z1 0 है, upon यहाँ पे हम रखते हैं lmn, यानी जो direction ratios होती है, हम क्या रही है, 2 minus 1 minus, so this is required answer, clear?